बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड चिप्स बिकम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि मिस्टर चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड का एक्टिंग हेड क्यों बना था। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था 1870 में, 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था, तो उस वक्त मिस्टर वैदरबाई ब्रुकफील्ड का हेड था। लेकिन उसकी डेथ के बाद मिस्टर मेल्ड्रम जो था ना, वो न्यूली अपॉइंट हुआ था ब्रुकफील्ड का हेड, और 30 साल के बाद 1900 में मिस्टर मेल्ड्रम जो है वो एक बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और चूँकि अभी नया हेडमास्टर जो है ना अपॉइंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था, तो इस प्रोसीजर के दौरान मिस्टर चिप्स को वहाँ का एक्टिंग हेड बनाया गया। मिस्टर मेल्ड्रम की नमूनिया की वजह से डेथ हुई थी, और उस नमूनिया की डेथ की वजह से मिस्टर मेल्ड्रम को जो है, मिस्टर मेल्ड्रम की जगह पर मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड का एक्टिंग हेड बनाया गया था। लेकिन उसके बाद मिस्टर चिप्स जो है वो मिस्टर रास्टन आ गया था न्यू हेडमास्टर, तो मिस्टर चिप्स को हटा दिया गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सक्सीडेड मेल्ड्रम एज हेडमास्टर। मिस्टर मेल्ड्रम की का जानशीन कौन था, तो मिस्टर मेल्ड्रम के वफात के बाद कौन ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर बना था। तो इसका आंसर होगा मिस्टर रास्टन वाज मेड हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। मिस्टर रास्टन जो था ना, वो मिस्टर मेल्ड्रम के बाद नया आने वाला हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड का, और जिसने जब वो आया था तो मिस्टर चिप्स जो है वो मेल्ड्रम की डेथ के बाद ब्रुकफील्ड का एक्टिंग हेड था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड मिस्टर रास्टन अनाउंस ऑन अ मे मॉर्निंग। कि मिस्टर रास्टन जो है उसने एक मई की एक सुबह किस तरह से उसको अनाउंस किया गया। रास्टन अनाउंस दैट किंग एडवर्ड 7 हैड डाइड दैट मॉर्निंग। उसने ये बताया था कि मिस्टर एडवर्ड 7 जो था, ये एक सीरीज़ थी जो रूलर्स थे इंग्लैंड के, तो उस सीरीज़ में एक नाम है एडवर्ड 17 का, जो रास्टन के दौर में, यानी कि रास्टन जो है वो उसके दौर में ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर बना था। और एक सुबह उसने ये अनाउंस किया कि मिस्टर किंग एडवर्ड जो है 7, वो उसकी मौत हो गई। आल्सो सेड दैट अ मेमोरियल सर्विस वुड बी हेल्ड इन दी चैपल। और चैपल जो है वो बेसिकली चर्च को बोला जाता है, तो उसने कहा कि चर्च में एक खास उसकी जो खिदमात हैं उनकी याद को लेकर जो है ना, हम एक सेशन करेंगे। देयर वुड बी नो स्कूल इन दी आफ्टरनून। और दोपहर को जो है वो छुट्टी होगी, स्कूल की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ड्यूटी डिड ब्रुकफील्ड बॉयज परफॉर्म ड्यूरिंग द रेलवे स्ट्राइक। उन दिनों रेलवे स्ट्राइक मिस्टर रास्टन जब ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर था, तो उन दिनों ब्रुकफील्ड के लड़के जो हैं वो रेलवे स्ट्राइक में गए थे, और रेलवे स्ट्राइक जारी थी, और मिस्टर जो ब्रुकफील्ड के बॉयज थे वो रेलवे स्ट्राइक में रिदम को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एज अ पेट्रोलियम वहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विसेज को परफॉर्म किया था। द बॉयज वर आस्क्ड टू पेट्रोल द रेलवे लाइन एज स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट द ट्रेन। और उन्होंने उनको रोका था वहाँ पर, जो ट्रेन के सामने पत्थर फेंके थे उन्होंने मुजाहिरीन ने, तो उन्होंने उन पत्थरों को हटाकर ट्रेन की रवानी में हेल्प की थी, और उसको ट्रेन को चलाने में मदद की थी, और उसके अलावा उसकी पेट्रोलियम में हेल्प की थी वहाँ के अमले की। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट द डायमंड जुबली। डायमंड जुबली के हवाले से उसे ये याद है कि वो और उसकी बीवी कैथरीन ब्रिजेस लंदन में गए थे, ताजपोशी में गए थे, जहाँ पर विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया को जो है ना वो ताज पहनाया गया था, और वो उस सेलिब्रेशन में उन्होंने शिरकत की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट न्यूज़ डिड स्प्रेड इन द स्कूल अबाउट ग्रेसन्स फादर। ग्रेसन के फादर के बारे में ब्रुकफील्ड में क्या खबर फैली थी। ये उन दिनों जबकि ये बात है
टाइटैनिक जो है वो एक तरह का एक बहरी जहाज था, बड़ा फेमस हुआ था, जिन पर अक्सर जो है आप लोग एक मूवीज़ भी आप लोग अक्सर मूवीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी। तो टाइटैनिक जो है ना वो अपने नाम की वजह से बहरी जहाज़ फेमस हुआ था, तो उसमें उसका फादर जो था ना वो भी सफ़र कर रहा था, और टाइटैनिक जो है ना वो एक बड़े स्टॉर्म के साथ टकरा कर तबाह हो गया था। तो ये खबर आई थी कि द न्यूज़ स्प्रेड अराउंड द स्कूल दैट ग्रेसन फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक एंड नो वन न्यू अबाउट हिज फेट येट। और अभी तक उसके फादर के बारे में पता नहीं चला था कि आया कि वो जिंदा है या वो भी उसका शिकार हो गया है। ही वॉज पोस्ट टू हैव डाइड, और ये फर्ज किया कि शायद वो भी मर गया है। फाइनली द न्यूज़ केम दैट ग्रेसन फादर वाज अमंग दोज हु हैड बीन रेस्क्यूड। लेकिन बाद में ये खबर बताई गई कि उसका बाप उन लोगों में शामिल था जिनको बचा लिया गया। तो यहाँ तक आज हमने अपने क्वेश्चन आंसर किए हैं, 6 क्वेश्चन आंसर आज हमने किए हैं। उम्मीद है